खबर धार से है, जहां जिले के राजगढ़ की राजेंद्र कॉलोनी में अज्ञात हमलावरों के द्वारा भूपेंद्र उर्फ गोलू पिता किशोर झुंझे को गोली मार दी गई। घटना के बाद युवक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के अनुसार मृतक को करीब 4 गोली लगी। राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है, वहीं जिला अस्पताल में भी पुलिस पहुंची है। डॉक्टर ने बताया है कि राजगढ़ से भूपेंद्र गोलू को लाया गया, जिनकी जाँच करने पर पाया गया कि वो मृत है। उन्हें 3 से 4 गोलियां लगी है, सिर में भी 7 गोली लगी है, जहाँ पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। जी, अभी भूपेंद्र उर्फ गोलू पिता किशोर झुंझे ब्रॉड डेड आए थे यहाँ पे। उनके शरीर में कम से कम 3 से 4 गनशॉट के निशान हैं और शायद सर में भी है, लेकिन वो पीएम के दौरान क्लियर होगा कि क्या है। चल रहे हैं या बुलेट है? अब ये पीएम के दौरान पता चलेगा, एक्सरे कराएंगे सुबह, उसके बाद जरा स्थिति क्लियर होगी। सर यहाँ लाए थे तब क्या स्थितियाँ थी? यहाँ पे लाए थे तब ब्रॉड डेड थे, हमने ECG के से कंफर्म किया कि ब्रॉड डेड है। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा।